खुद को क्यों खत्म करना चाहते थे मोहम्मद शमी? शमी 3 बार कर चुके हैं सुसाइड का प्रयास। जीत के बाद शमी ने बताया अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द। वनडे वर्ल्ड कप के हीरो शमी की क्या है कहानी? मोहम्मद शमी ने बीते दिन इतिहास रच दिया। शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के दौरान वनडे वर्ल्ड कप के एक सीजन में किसी भारतीय खिलाड़ी के लिए गए सर्वाधिक विकेट के जहीर खान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कीवी टीम के खिलाफ 57 रन देकर 7 विकेट लेने वाले शमी ने मौजूदा टूर्नामेंट के 6 मैचों में 23 विकेट लिए हैं। वहीं उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में जहीर के 21 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी का बॉलिंग फिगर 9.5 57-7 रहा। ये भारत की वनडे हिस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड कप के इस हीरो की निजी जिंदगी कितनी दुख भरी है? एक दौर तो ऐसा भी था शमी खुद को खत्म करना चाहते थे। ऐसे में शमी ने अपने हार से जीत का रास्ता कैसे तय किया, आइए अपनी इस रिपोर्ट में जानते हैं। खुद को क्यों खत्म करना चाहते थे शमी? अगर मुझे मेरे परिवार का साथ नहीं मिलता तो मैं क्रिकेट छोड़ देता। मैंने 3 बार खुदकुशी करने के बारे में सोचा था। मेरा घर 24वीं मंजिल पर था और मेरे परिवार को लगता था कि मैं कहीं अपार्टमेंट से कूद न जाऊं। ये शब्द भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के थे। ये वो समय था जब उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर का जिक्र किया था। लेकिन समय के साथ साथ कठिनाइयां कम हुई और शमी इतिहास लिखने चल पड़े। आज शमी की गेंदबाजी का लोहा दुनिया मान रही है। उन्होंने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 7 विकेट चटकाकर भारत को शानदार जीत दिलाई। इसी मैच में वो वनडे क्रिकेट में 4थी बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसके अलावा उनके नाम एक और गजब का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने वाले वे पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। यहां तक पहुंचने की राह शमी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पिछले कुछ सालों से शमी कई आरोपों और विवादों से जुड़े रहे। यही वो समय था जब उन्होंने एक बार नहीं 3-3 बार सुसाइड करने की ठान ली थी। ये वो समय था जब शमी 2015 वर्ल्ड कप के बाद चोट से वापसी कर रहे थे और उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही थी। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। परिवार का साथ मिला और वो अपने बुरे वक्त से लड़कर इस मुकाम तक पहुंच गए। खुद को क्यों खत्म करना चाहते थे मोहम्मद शमी? दरअसल 2020 में कोरोना काल के दौरान एक रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम लाइव में शमी ने सुसाइड का ख्याल आने वाली बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, मैं 2015 वर्ल्ड कप में चोटिल हो गया था। इसके बाद टीम में वापसी करने में मुझे 18 महीने लगे और खुलासा किया था, वो मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। आप जानते हैं कि रिहैब कितना मुश्किल होता है। उसके बाद पारिवारिक समस्याएं, ये सब चल रहा था और इसी बीच आईपीएल से 10 से 12 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मीडिया में काफी कुछ चल रहा था मेरे निजी मुद्दों को लेकर। शमी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अगर मेरे परिवार का साथ मुझे नहीं मिलता तो मैं क्रिकेट छोड़ देता। मैंने 3 बार खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा था। मेरे परिवार में से किसी को मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे पास बैठना होता था। मेरा घर 24वीं मंजिल पर था और उन्हें लगता था कि मैं कहीं अपार्टमेंट से कूद न जाऊं। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार मेरे साथ था और इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती। वे मुझसे कह रहे थे कि हर समस्या का समाधान होता है और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दो। जिस चीज में तुम अच्छे हो उसमें खो जाओ। इसलिए मैंने सब कुछ खो दिया। मैं नेट्स में गेंदबाजी कर रहा था, मैं रनिंग एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। मैं दबाव में था। अभ्यास के समय में मैं दुखी हो जाता था। मेरा परिवार मुझसे कहता था कि फोकस रहो। मेरा भाई मेरे साथ था, मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ थे और मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। और अगर वो लोग नहीं होते तो मैं कुछ भयानक कर जाता।